अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो है तो इस तरह से है कि आज जो है ना, हमारी जो गंदम है वो कट चुकी है, जो हमारे खेत है। आपको पता है कि मार्च अप्रैल जो होता है या मई जून, वो गंदम की कटाई का वक्त होता है। तो उस वक्त जो किसान लोग हैं उनके घरों में गंदम वगैरह आती है, तो इसी तरह हमारे भी जो खेत है तो वहाँ पे गंदम जो है वो कुछ काश्त हो गई है। वो तो मेरे ख्याल आज या कल या जब भी आएगी इंशाल्लाह ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, वो आने वाली है। तो इसलिए जो हमारे घर जो मट्टा पड़ा है जहाँ पे हम गंदम स्टोर करते हैं साल भर के लिए, उसमें जो पुरानी गंदम पड़ी है वो उसमें से निकालनी है और नई गंदम के लिए उसे साफ करना है अच्छे तरीके से। तो आज वो करते हैं। पहले मैं आपको मट्टा दिखा दूँ कि हमारा मट्टा कौन सा है, छोटा सा है, इतना सा होगा इतना सा। तो उसे पहले साफ करना है। ये है वो मट्टा, तो इसे करना है साफ। तो यहाँ पे पता नहीं कितने दाने होंगे, मुझे पता नहीं, अभी मैं चेक कर लूँ। यहाँ तक हैं दाने, यहाँ तक, इधर से लेकर ना यहाँ तक दाने जो है वो हैं। तो अभी इसमें से दाने हैं वो निकालते हैं। दाने निकालने से पहले मैं अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लूँ, क्योंकि दानों में से जो डस्ट है वो काफी ज्यादा उठती है। तो कपड़े भी गंदे होंगे और थोड़ा सा जो होता है ना, थोड़ा सा काम जैसा वो भी होगा। वो इतना अभी मुझे होता नहीं है, लेकिन अगर कपड़ों में डस्ट चली गई ना तो फिर हो सकता है। तो पहले कपड़े मैं चेंज कर लूँ अपने। तो मेरे पास पड़े हैं ट्राउजर, तो वो ट्राउजर निकाल लेते हैं। यहाँ से मेरा हेलमेट है, कहाँ गया यार मेरा रेड वाला ट्राउजर? हाँ ये देखे, ये ट्राउजर पड़ा है, इससे बाहर निकाल लेते हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी की टी शर्ट है, तो इसमें मैंने अपना नाम लिखवाया था, ब्रावो जी नहीं जैसे मेरे चरण का नाम, उसी तरह इस पे भी मैंने ब्रावो लिखाया था। तो उन्होंने ब्रावो की जगह डब्ल्यू बी की जगह डब्ल्यू डाल दिया। तो ये वैसे मैं अपनी खराब नहीं करूंगा शर्ट। ये वाली शर्ट है वो पहन लेते हैं इसके साथ। कपड़े जो है वो मैंने चेंज कर लिए और रेड रेड हो चुका है सारा। तो अभी अबू को बुलाते हैं ऊपर और फिर जो गंदम है वो निकालते हैं बाहर। अभी वैसे आज रात के बज रहे हैं 11, तो अभी गंदम इसकी निकाल देंगे, फिर कल या कल शाम तक है ना इंशाल्लाह, रात तक उम्मीद है कि हमारी जो नई गंदम वो भी आ जाएगी। तो वो भी फिर इस पे अंदर भी डालेंगे, तो वो भी प्रोसीजर जो है आपको दिखाएंगे सारा। अभी अबू जी को बुलाते था, क्योंकि अबू जी ने मेरे साथ ही करवाना है। अबू जी आ जाओ फिर, कल नहीं है बोले कि पे छत थे और चाबी लगी ताला लगा होना, आयो फिर। तो अभी हमें चाहिए थैले जिनमें हमने गंदम डाली है, तो वो ऊपर जो कमरा है हमारा वहां पे पड़े हुए, तो वहां से लेकर आते हैं। अब वो चाबी नीचे से ले आए पहले। किधर पड़े हैं जी, किधर पड़े हैं? ये पड़े हैं सारे, तो ये सारे ले जाता है। इनमें जो अच्छे होंगे वो ले लेंगे, जो ना अच्छे होंगे तो वो बाद में रख लेंगे दोबारा। हेलो, कपड़ा इन्हें कहते बिछाता सारा सारा इस उल्टना सारा नहीं। हाँ जी, पर ना। तो फिर सारा इदा कहते बिछाता, वो कट्ठा करके मना कर देता। तुसी कि कहने पे जिदा अगे बोरा भरते थे। मास्क जो है वो मैंने पहन लिया, ताकि जो डस्ट से ना वो एलर्जी ना हो, तो इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। तो अबू को भी पहना देता। अब मास्क पा लो। दाने जो है वो सारे निकल चुके हैं और मट्टा बिल्कुल जो है वो खाली हो गया, तो पसीना भी काफी ज्यादा आ गया आपको नजर आ रहा होगा। तो गर्मी काफी ज्यादा, मेरी जूती बंद रह गई, मैं जूती देख लूँ मेरी जूता कहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे मैंने मेरे थर उतारा था, थैले के नीचे ना आ गया, मैं इधर पड़ा, ये भी यहाँ पे पड़ा, इसे भी उठा लेते हैं। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और मुंह हाथ धो लूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। कपड़े जो है मैंने चेंज कर लिए, तो काम किया तो थोड़ी सी भूख लगी, तो आज बने घर सैंडविच, तो ये खा लेते हैं। ये टूट गया यहाँ से, इसे अभी फिक्स कर लेते हैं। ये ले जी, अभी फिक्स हो चुका है, अब ठीक है। तो भाई सैरी वगैरह कर ली है, तो अभी हो गया सोने का टाइम, तो मैं लगा सोने। तो बाकी का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह सुबह कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।
मेरे बाल भी जो है ना तो वो काफी ज्यादा बड़े हो गए, तो संभालना जो है मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, तो पहले जाके इन्हें भी कटवा के आते। तो गए जो बाल है वो मैं कटवा के आ गया हूँ, और नहा भी लिया। तो गर्मी आज काफी ज्यादा लग रही थी क्योंकि मैं बाल भी कटवाने गया तो बाल में गर्मी थी, तो फिर पानी भी ले गया हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। वैसे भी जो बाल छोटे छोटे थे वो चुभन सी होती है, तो मैंने नहा लिया। वैसे बाल मैंने ईद से तकरीबन 12 दिन रहते हैं ईद को, तो मैंने ये बाल पहले कटवा लिए ताकि ईद तक जो ये बाल जो सेट हो जाए। अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा रह गया और घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अफ्तारी के लिए जो होता है पकौड़े वगैरह। तो बाजार से आलू लेके आने थे, वहाँ लेके नहीं आया, तो अभी टाइम नहीं है, तो अभी जा रहा हूँ बाजार, तो देखते हैं समोसियाँ मिलती हैं कि नहीं। समोसियाँ जो है वो मैं लेके आ गया, तो मैं तो लेने गया था बेकरी की, लेकिन वहां से जो उनकी है वो तो थी नहीं, यही थी मिल रही वहां से, पता नहीं टेस्ट फूड कोई कंपनी है सी एन, तो उन्होंने बनाई आलू वाली, तो अभी पका के देखेंगे कैसी बनती है। तो पीछे जो ऑयल है वो हो रहा है गर्म, तो ऑयल गर्म होने देते हैं फिर मैं बताऊंगा, फिर चेक करेंगे तारीख के बाद कैसी है। अभी तकरीबन 11:30 हो गए हैं, तो भूख लग गई है, तो देखते हैं फ्रिज में कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं पड़ा। ये चॉकलेट है, मनीकी है, तो ये खजूरें पड़ी हैं, ये ले लेते हैं थोड़ी सी, ये दो धो लेते हैं अभी। अफ्तारी के वक्त था ना फ्रूट फल फ्रूट खाए हैं, और तकरीबन 2 समोसे जो मैं लेके आया था सिर्फ वही खाई है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ और खा लेते हैं, भूख कम आ जाती है। वैसे तो आज हमारी जो गंदम थी वो आनी थी, लेकिन अभी तक 11:30 हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं, तो अभी तक तो नहीं आई, तो कोई खबर भी नहीं है कि जो शर है वो लगी है कि नहीं लगी, तो इसलिए ये व्लॉग ये पे खत्म होता है। अगर कल आई परसों आई फिर अगला व्लॉग बनाएंगे वहां पे आपको दिखा देंगे, तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसे अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं यार, अभी तक कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।